कृषि को प्रतिस्पर्धात्मक और लाभप्रद बनाने के लिए कृषि प्रौद्योगिकी विकास तथा मौजूदा कृषि व्यवसाय अवसंरचना के सृजन और आधुनिकीकरण में सरकारी और निजी निवेश बढ़ाए जाने की तत्काल जरूरत है। इसके लिए 100 करोड़ रुपए की प्रारंभिक राशि से असम और झारखंड में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा की तर्ज पर 2 उत्कृष्ट संस्थाएं स्थापित की जाएंगी। आंध्र प्रदेश तथा राजस्थान में कृषि विश्वविद्यालय तथा तेलंगाना और हरियाणा में उद्यानिकी विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है। सरकार प्रत्येक किसान को एक मृदा स्वास्थ्य कार्ड देने के लिए योजना शुरू करेगी। इसके लिए 100 करोड़ रुपए की राशि तथा पूरे देश में 100 मोबाइल मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित करने के लिए 56 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि अलग से रखने का प्रस्ताव किया गया है। जलवायु परिवर्तन की चुनौती का सामना करने के लिए राष्ट्रीय अनुकूलन निधि स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है। कृषि में 4% की वृद्धि बनाए रखने के लिए प्रौद्योगिकी चालित दूसरी हरित क्रांति लाना, जिसमें प्रोटीन क्रांति को मुख्य क्षेत्र के रूप में शामिल किया जाएगा। नाबार्ड के जरिए भूमिहीन किसान के संयुक्त कृषि समूहों को धन की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। कृषि उपज में मूल्य अस्थिरता को कम करने के लिए मूल्य स्थिरीकरण निधि स्थापित करने के लिए 500 करोड़ रुपए की राशि की व्यवस्था की गई है। राष्ट्रीय बाजार की स्थापना में तेजी लाने के लिए केंद्र सरकार राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम करेगी। वर्ष 2014-15 के दौरान कृषि ऋण के लिए 8 लाख करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा गया है। अ टारगेट ऑफ 8 लाख करोड़ हैज बीन सेट असाइड फॉर एग्रीकल्चर क्रेडिट ड्यूरिंग 2014-15 फॉर व्हिच आई एम कॉन्फिडेंट दैट बैंक्स विल सरपास। अंडर द इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम फॉर शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन्स बैंक्स आर एक्सटेंडिंग लोन्स टू फार्मर्स एट अ कंसेशनल रेट ऑफ 7%। The farmers will get a further incentive of 3% for timely repayment. I propose to continue the scheme for 2014-15. कृषि के लिए सिंचाई पहुंच में सुधार हेतु प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना शुरू की जाएगी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन, जिसमें आर्थिक गतिविधियों का विकास और कौशल विकास भी शामिल है, ग्रामीण इलाकों में एकीकृत परियोजना आधारित अवसंरचना की सुपुर्दगी के लिए शुरू किया जाएगा। फीडर पृथक्करण के लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति की वृद्धि करने और वितरण प्रणालियों के सुदृढ़ीकरण के लिए शुरू की जाएगी। देश में कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों में अवसंरचना के सृजन के लिए मौजूदा वित्त वर्ष में 25,000 करोड़ रुपए अंतरिम बजट में निर्धारित किया गया था, जिसमें 5,000 करोड़ रुपए और दिए जाएंगे। देश में वैज्ञानिक भंडारागार अवसंरचना की उपलब्धता की जरूरत को देखते हुए 2014-15 के लिए 5,000 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव किया गया है। कृषि में दीर्घावधिक ग्रामीण ऋण नीति के लिए 5,000 करोड़, जबकि अल्पावधिक सहकारी ग्रामीण नीति के लिए 50,000 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव किया गया है। पूरे देश में 2,000 उत्पादक संगठनों के निर्माण के लिए उपयोग किए जाने के लिए नाबार्ड के उत्पादक संगठन विकास निधि के अनुपूरण हेतु 200 करोड़ रुपए का प्रस्ताव किया गया है। खाद्य क्षेत्र में सुधार के लिए भारतीय खाद्य निगम की पुनर्संरचना करने, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वहनीयता और वितरण संबंधी हानियों को कम करने और उनकी क्षमता बढ़ाने को प्राथमिकता दी जाएगी। कीमतों को नियंत्रण में रखने के लिए जरूरत पड़ने पर खुला बाजार बिक्री शुरू की जाएगी। किसानों के लिए नई खेती तकनीक, जल संरक्षण, जैविक खेती जैसे विषयों की जानकारी के लिए किसान टीवी की शुरुआत की जाएगी, जिसके लिए 100 करोड़ रुपए नियत करने का प्रस्ताव किया गया है। बिजनेस डेस्क, डीडी न्यूज़।